ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळवा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडे नी एप। ગુજરાતના ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વહીવટતંત્રે પ્રસિદ્ધ સોમનાથ મંદિરની આસપાસના ગેરકાયદેસર બાંધકામોને દૂર કરવા માટે મોટા પાયે અતિક્રમણ વિરોધી કામગીરી હાથ ધરી છે। ગીર સોમનાથના કલેક્ટર દિગ્વિજયસિંહ જાડેજાએ એએનઆઈ સાથેની મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે મંદિરની આસપાસના વિસ્તારમાં 9 ધાર્મિક સ્થળો અને 45 રૂમોનો ઉપયોગ મુસાફિરખાનો તરીકે કરવામાં આવી રહ્યો છે। જેની કિંમત અંદાજે 320 કરોડ રૂપિયા છે। हमारी ये जो 2 सरोवर है वहाँ पे अवैध निर्माण हो गया था, 9 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे और 45 ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जहाँ उनका वो मुसाफिर खाना के ऐसे वो उपयोग उनका हो रहा था। बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे पूरा और कुल 102 एकड़ जगह जो थे उसमें ये अतिक्रमण हो गया था। कल रात को हमने बड़ी ड्राइव एक रखी और पूरी फोर्स लगा के वो सुबह तक पूरा एरिया हमने खाली करवा दिया। आप देख सकते हो अभी खाली मलबा पड़ा हुआ है, वो भी हम क्लियर करवा रहे हैं और हमने 320 करोड़ की जमीन आज खुली करवाई है। सर ये पूरा किस तरह से इनको नोटिस दी गई थी, ये सब कुछ ये गवर्नमेंट लैंड में वो बैठे हुए थे उनको नोटिस दी गई थी, हमारे एसडीएम ने उनको जो हमारा लैंड रेवेन्यू कोड है उसके अंतर्गत उसको नोटिस दी थी और 20 दिन के बाद उन्होंने खाली नहीं किया, तो इसलिए फिर हमने हमारे तहसीलदार और हमारे जो दूसरे सर्कल वगैरह उनके साथ जो लोग अतिक्रमण किया हुआ था जो वहीवट कर रहे थे वो रिलीजियस प्लेसेस का, उनके एक हमने पंचनामा ड्रॉ किया हुआ है, उनको उसमें ये समझाया गया है कि भाई आपको इस तारीख को नोटिस दी गई थी फिर भी आपने खाली नहीं किया, तो 24 घंटे में आप ये जगह खाली कर दो अदरवाइज हम खाली करवा देंगे। ड्राइव कम्प्लीट हो गया है कि जगह जो डिमोलिशन पूरा हो गया है, अब जो आप देख रहे हो जो मलबा है वो हमको वहां से क्लियर कराना और ग्राउंड पूरा खाली कराना, ये 2 दिन तक चलेगा। क्या कुछ 144 की कलम लगाई, माहौल तो पीसफुल रहा है, कल से आज तक कोई भी एक छोटी भी वारदात नहीं हुई है। 144 हम रूटीन में लगा ही देते हैं तो वो ऑलरेडी 30 तारीख तक एनफोर्स में है। सब्सक्राइब करो गुजराती मिडडे, बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेळवो तमाम वीडियो ने डायरेक्ट नोटिफिकेशन।